अब इधर आओ, इधर आओ। अपना नाम बताइए। हाँ, राकेश कुमार। अपना लाइसेंस दिखाइए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का। मैडम बनने को दे रखा है। बनने को दे रखा है, तब तक मैं दुकान कैसे खोल ली आपने? मैडम ब्रदर से पूछता हूँ, आज गया था। नहीं नहीं नहीं, आपने दुकान कैसे खोल ली, वो तो आपका अगस्त से पहले बन जाना चाहिए था ना। आपका अगस्त 2012 से पहले लाइसेंस बन जाना चाहिए था। आपका कहाँ है, कोई इससे पहले कोई पंजीकरण आपने करवाया, नगर निगम से करवाया कभी? कहाँ है दिखाएं। ये आप मुझे कितने दशक पुराना कागज दिखा रहे हैं? कागज पुराना नहीं, मैंने पिछले साल दिया, 2012 का, 31 मार्च पिछले साल 2011 का है जी। एक्सपायर्ड है ना, 31 मार्च में तो ये खत्म हो गया। आप साल हो गया इसको, पूरा होने वाला है। देख रहे हैं फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, अप्रैल 11 से 31 मार्च 12 साल। पढ़ाई लिखाई करी है आपने अभी? ये देख रहे हैं आप, अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक। और वो भी आपके पास, वो भी आपके पास बेचने का लाइसेंस है, काटने का नहीं है। ये हटिए आप यहाँ से, इसको उठाओ, ये कबूतर उठाओ। राम, पिक दैट अप, यहाँ रखिए इसको, इसको इसके अंदर रखिए। आपके पास कबूतर बेचने का लाइसेंस है? ये पालने वाले हैं। आप यहाँ पे दुकान में बैठे हैं, आप बड़ा पालेंगे। पुट दिस इनसाइड। क्लोज इट। हटो 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 हटो, बाहर हो। आपको किसने परमिशन दी है जानवर काटने की? आपके नगर निगम ने कोई परमिशन नहीं दी, आपको खाद्य अधिकारी ने कोई परमिशन नहीं दी। आप यहाँ किससे पूछ के ये काम कर रहे हैं बताइए? नहीं नहीं, रोज कटता है वो तो हमें सबको पता है, लेकिन आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, इन जानवरों की कोई डॉक्टरी जांच नहीं होती। ये आते हैं, कट के बिक जाते हैं, निहायत गंद में वहाँ कट रहे हैं। पूरे शहर का बीमारी का अड्डा आपने मच्छी बाजार को बना रखा है। आप बताइए, आपको कोई परमिशन दिया आज तक किसी ने? आपने कभी देखा कि आप किस नर्क में यहाँ पे काम कर रहे हैं? पूरे शहर को बीमारियां यहाँ से फैलती हैं, आधा दून अस्पताल आपने भर रखा है। आप ये देखें कि किस कंडीशन में, जानवरों की तो छोड़िए, वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगी कि आप जानवरों के प्रति कुछ सहानुभूति रखें, इंसानों की तो सोच लीजिए। ये लोग खाते हैं वो जो गंद आप परोस रहे हैं यहाँ पे, वो जो अंदर सड़ा गला पड़ा हुआ है वो अपने बच्चों को खिलाएंगे आप? यहाँ पे शहर भर को बांट रहे हैं। कोई लाइसेंस नहीं आपके पास, मैं देखती हूँ यहाँ एक दुकान कैसे खुलती है। अब इधर इधर लाओ, तुम्हारे से ज्यादा बेशरम मैंने कोई आदमी नहीं देखा। हाँ, तुम्हारे से ज्यादा एक मैंने बेशरम नहीं देखा काटने के लिए उसको तैयार। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वहाँ अंदर बहुत पल रहे हैं तुम्हारे जानवर, छुरे के नीचे सब दिख रहा है। क्या नाम है दुकान का? चंडी प्रसाद। चंडी प्रसाद, आप हैं चंडी प्रसाद? ये फादर है। आपके पिताजी होंगे। आपका क्या नाम है? आप ऐसे ही बैठने आए थे। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? संजय नाम है। आपका नाम संजय है। आपका कोई लाइसेंस दिखाइए जो आपने यहाँ पे ले रखा हो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स का लाइसेंस है आपके पास? नहीं, लाइसेंस तो ये नगर निगम नगर निगम का कोई लाइसेंस नहीं बनता, फूड सेफ्टी एंड अभी ये अधिकारी का लाइसेंस बनता है। है आपके पास कोई लाइसेंस? नहीं है आपके पास। आप यहाँ पे जो कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको कुछ कानूनों के दायरे में रहना होता है? आप दसवीं पीढ़ी काम कर रहे हो, आप देश के कानून तो मानेंगे ना? आप कहाँ हैं, इंडिया में कि कहीं और रहते हैं आप? हाँ, पूरे शहर में चल रहा है मैडम ये तो। आपको ये नहीं मालूम कि पूरा शहर लाइसेंस ले रहा है? हाँ, मैं तो नहीं हूँ अकेला, पूरा शहर में है मैडम, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं। देखो क्या नाम है तुम्हारा? संजय है ना? पूरा शहर में लाइसेंस बन रहे हैं अभी, इत अधिकारी यहाँ पे घास नहीं छील रहे हैं, सब जगह लाइसेंस बन रहे हैं। एक यहाँ मच्छी बाजार के दुकान वाले अनोखे हैं, यहाँ पे बीमारी क्या कम फैलती है? आइए मैं जरा आपकी दुकान देखूं। आप किसी सन से काम करते हो? ये 2011 में नियमावली बन गई है केंद्र सरकार की तरफ से, ये माननी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपको नहीं मानना है, आप एक काम करिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, अमेरिका चले जाइए। हटो। ना सिर्फ आप बेचते हैं बल्कि काटते भी हैं यहाँ पे। ये किसकी है? ये इसका मालिक कौन है? नाम क्या है तुम्हारा? मतलब घर जाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? रमेश आनंद का। रमेश आनंद, तुम यहाँ काम करते हो? नहीं, फ्रेंड हूँ उसका। क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, इस दुकान का लाइसेंस दिखाओ। मैडम के पास भी आ रही हूँ, उनके पास जाकर तब जाके मंदिर जाके ना, मैंने फोन कर दिया, अब आएंगे तब बताएंगे वो। कोई लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास, कोई लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास, मुझसे सुनो, ठीक है? यहाँ पे तुम जानवर काट रहे हो, बेच रहे हो, जो मन में आ रहा है कर रहे हो। गंद का अड्डा ये देखो, हे भगवान, ये बिक रहा है देहरादून में, ये जनता खा रही है। आप में से जो जो यहाँ पे मास्क के शौकीन है ना, एक बार ये देख लीजिए यहाँ पे आके क्या हो रहा है। इतनी गंद हम अपनी प्लेट में परोसते हैं, ये खाते हैं हम। ये किसी पब्लिक शौचालय से भी गंदी जगह है, इतनी बीमारियां यहां हैं, और ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां जो जानवरों के माध्यम से फैलती हैं हमारे अंदर, ठीक होने का नाम भी नहीं लेती है, ये खाते हैं हम। और आप लोग अगर यहाँ रहते हैं, आप लोग को दिखाई पड़ना चाहिए कितनी बदबूदार और गंदी जगह से आप अपना खाने का सामान खरीद रहे हैं। इनको तो दुकानों को वैसे ही बंद करा देना चाहिए, ये तो पड़ोस में हो तो ही बीमार पड़ जाए आदमी, यहाँ से तो खाने की भी ज़रूरत नहीं है। रईस अहमद है आपका नाम, अपना लाइसेंस दिखाइए। आप मुझे सिखा रहे हैं, खाद्य अधिकारी के पास आपको जाना था। हाँ नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर से लाइसेंस बनवाना चाहिए था। आप बिना लाइसेंस के यहाँ पे जो ये बेच रहे हैं, ये अपराध है, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे जनता की सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। इन जानवरों का कोई मेडिकल, आपको पता है इन मुर्गों से क्या क्या बीमारियाँ फैल सकती हैं? साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको ईकोलाई हो सकता है, आपको न जाने कितनी कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं।
और होती भी होंगी, पता ही नहीं चलता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये वो, क्या मालूम कितनी चीजें होती हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता कैसे होगी। यहाँ से होती है ये, क्योंकि ये कभी कोई डॉक्टरी जांच नहीं कराते। इनके मारने का तरीका देखिए, इनके औजार देखिए, इनका पानी देखिए, ये कहाँ, ये जो गंद जो है वो सीवर में अनट्रीटेड सारा निकाल रहे हैं, ये हमारे वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट कर रहा है, तो जो नहीं खाता मीट वो भी बीमार पड़ रहा है। आपका क्या है, निकास का क्या मेथड है, आपकी ड्रेन कहाँ है मुझे दिखाइए। ये है, वंडरफुल, ये हमारे घरों का पानी जहां जाता है वहीं पे ये खून और ये मल मूत्र सारा जा रहा है, गंदगी। रेलवे स्टेशन का पब्लिक टॉयलेट इस फ्रीजर से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा साफ है। आप में से जिसको शौक है ना मांस खाने का, जाके अंदर प्लीज देखिए। अगर ये इनमें से कोई भी दुकान कल खुलेगी तो उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना है, विदाउट लाइसेंस करना है, ठीक है, वो फॉलो करिए, दुकान चलाइए और कुछ लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप कल इस कंडीशन में दुकान नहीं खोल सकते। मैं साफ सुथरा रखूंगा और नहीं नहीं नहीं, जिस जो आपके पिंजरों की हालत है जो ये है, इस कंडीशन में आप मत नहीं खोलेंगे, आप